देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मराठा आरक्षण विरोध के दौरान कल हुई हिंसा के बाद भारी भीड़ को रोकने के लिए महाराष्ट्र की भीड़ में पुलिस की मौजूदगी। बीएमसी पीनोत वार्ड के अधिकारियों ने मलाड मारवी रोड पर अतरवा कॉलेज के सामने एक गार्डन विकसित करने के लिए 6 एकड़ जमीन को खाली कराने के लिए 63 दुकान और रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली और पंजाब में शराब घोटाले के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह के मोहाली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। आयकर विभाग ने चेन्नई के तमिलनाडु पावर फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पर छापेमारी की। मराठा आरक्षण देने में देरी के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए मुंबई के भाईकल्ला में मराठा कार्यकर्ताओं ने अपना सिर मुंडवा लिया। सफर इंडिया के अनुसार मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स 120 के साथ मध्यम श्रेणी में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के उनकी पुण्यतिथि पर शक्ति स्थल पर श्रद्धांजलि दी। बिलहौर कटरा हाईवे पर एक वाहन के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। दुर्गेश कुमार सिंह एसपी हरदोई का कहना है कि कुल 4 लोग और एक 4 साल का बच्चा एक वाहन में बाराकंड गांव से नया गांव जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका वाहन नियंत्रण खो गया और एक पेड़ से टकरा गया। उन सभी को अस्पताल लाया गया और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मराठा कार्यकर्ताओं ने आरक्षण की मांग को लेकर छत्रपति संभाजी नगर में सोलापुर धुले राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। ऐसी और भी देश विदेश की खबरों के लिए हमारे साथ में बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबरें एक्सप्रेस न्यूज।